राजस्थान में भाजपा का राज, इन सर्वे में कांग्रेस की सजाए उम्मीद। एग्जिट पोल देकर बड़ी प्रत्याशियों की धड़कने। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल नतीजे आ चुके हैं। कई सारे एजेंसियों एग्जिट पोल पेश करते हुए चुनाव परिणाम का एक अनुमान लगा रहे हैं। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीट जीतकर राजस्थान में सरकार बनाई थी, वहीं भाजपा ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजस्थान की 199 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग हुई है। 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का 3 दिसंबर को फैसला होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। कई सारी एजेंसियां एग्जिट पोल पेश करते हुए चुनाव परिणाम का एक अनुमान लगा रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल देखकर प्रत्याशी की धड़कन बढ़ गई है। यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है करौली जिले की 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 पर कांग्रेस पार्टी। कोटा की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जयपुर की 12 विधानसभा सीटें, यानी कि राजधानी जयपुर में 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से बीजेपी खाते में यहाँ पर 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 22 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 18, तो 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। पाली की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अदर पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीटें, बाकी कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। राजसमंद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में सभी 4 शहरों सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जनता की राय के अनुसार 200 में से अब तक 34 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर 27 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 6 सीटों पर लीड मार रही है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर काफी ज्यादा आगे चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 6 सीटों पर ही सिमट रही है। बाकी बात करें तो अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। सीकर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 1 सीट मिल सकती है, बाकी अदर पार्टियों के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान की 200 में से 45 विधानसभा सीट की जानकारी यानी कि ओपनिंग पोल आपके समक्ष रख रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 35, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अदर पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। टोंक जिले की टोंक में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है, यानी कि 50-50 रह सकता है टोंक जिले का रुझान, यानी कि 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को। ब्यावर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। जी हां दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर में 8 विधानसभा सीट और आटो की 8 विधानसभा सीट पर क्लीन स्वीप कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 61 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 47 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 सीट और अदर पार्टी के ऊपर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। नया जिला केकड़ी की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 पर, अदर पार्टी यहाँ पर 0 पर। सांचौर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी की और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। कुचामन और डीडवाना की 5 विधानसभा सीट आती है, 5 में से भी 5 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर, अदर पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर। राजस्थान की 200 में से 70 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, और बीजेपी खाते में 55 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 14 सीट, यानी कि मात्र 14 सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है, बाकी अदर पार्टियों के ऊपर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। दूदू की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाता में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाता में 1 सीट है। कोटपुतली भरोड की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाता में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाता में 2 सीट है। नीमका थाना की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाता में यहाँ पर जीत सकती है 4 सीटें और यानी कि सभी 4 सीटों पर क्लीन कर सकती है और कांग्रेस पार्टी खाता में 0, अदर पार्टी का 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 81 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 81 में से 63 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो ही कांग्रेस पार्टी
पार्टी के हाथ लग सकती है 17 विधानसभा सीट, बाकी अदर पार्टियों पर एक विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ 63 सीटें यानी कि जादुई आंकड़े से बहुत समीप जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पछड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी संभावनाएं कम दिखाई दे रही है और अदर पार्टियों पर एक विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस भी आगे कोशिश करती है तो आगे बढ़ सकती है, यहाँ पर बीजेपी को पीछे छोड़ना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो शाहपुरा की 2 विधानसभा सीट आती है, 2 में से अगर बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीटें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 0, अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। फलोदी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। अनूपगढ़ की, अनूपगढ़ में 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। बाकी बात कर लेते हैं राजस्थान की, 200 में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से दिखा जाए तो यहाँ बीजेपी खाते में 70, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अदर पार्टी के ऊपर 1 सीट मिल सकती है। बालोत्रा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से मात्र 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी पर बढ़त बनाई हुई दिखाई जा रही है। दूसरा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 102 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 77, कांग्रेस पार्टी खाते में 24 और अदर पार्टी के ऊपर 1 सीट मिलने की संभावना सही जा रही है। बात कर लेते हैं डूंगरपुर की, डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है डूंगरपुर में। और गंगानगर की 6 विधानसभा सीट, 6 में से बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, बाकी अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। हनुमानगढ़ की 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी का 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 113 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 31 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 30 सीटें और अदर पार्टी का 9 विधानसभा सीट जा सकती है, यानी कि बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ अपना वर्चस्व कायम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी पछड़ते नजर आ रही है, यानी कि पीछे नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। नागौर जिले की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 1 पर बीजेपी, 4 पर अदर पार्टी यहाँ पर कभी सोच सकती है। भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 विधानसभा सीटें, बाकी सभी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी का अपना सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 5, 1 पर कांग्रेस पार्टी। राजस्थान की 200 में से 130 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर जादुई आंकड़े के बहुत करीब, यानी कि मात्र 8 सीटों से पीछे चल रही है बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मात्र 30 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा और अदर पार्टी के ऊपर 7 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बूंदी की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी बात कर लेते हैं चुरू जिले की, 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। चित्तौड़ यानी कि चित्तौड़ दुर्ग की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 5 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 134 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी खाते में 103 सीटें और यानी कि बीजेपी यहाँ पर जादुई आंकड़ा प्राप्त कर सकती है, यानी कि बीजेपी 103 के साथ पूर्ण बहुमत की इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो बनती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर मात्र 33 सीट, यानी कि 33 और 103 का फासला काफी ज्यादा बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर, और अदर पार्टी के ऊपर 8 विधानसभा सीट जा सकती है। राजस्थान के अगले जिले यानी कि अजमेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें। अलवर जिले की 10 विधानसभा सीट पर भाजपा, यानी कि 10 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 163 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 119 सीटें, 36 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी के ऊपर 8 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। 12 की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। बाड़मेर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1। बाकी बात लेते हैं भरतपुर जिले की, 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। राजस्थान की 200 में से 178 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 132 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी पर 38 सीटों पर, अदर पार्टी पर 8 विधानसभा सीट पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है।
जालोर जिले की दो विधानसभा सीट है, दो में से बीजेपी खत्म है दोनों की दोनों सीटें। झालावाड़ की चार विधानसभा सीट आती है, चार में से बीजेपी खत्म है दो, कांग्रेस पार्टी खत्म है एक सीट। जैसलमेर की दो विधानसभा सीट है, दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। राजस्थान की 200 में से 186 विधानसभा सीट का ओपनिन पुल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खत्म है 138 सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी बहुमत प्राप्त कर सकती है। कांग्रेस पार्टी अब मात्र 40 सीटों पर सिमट रही है, अदर पार्टियां पर 8 विधानसभा सीटें जीत पा रही है। बात कर लेते हैं झुंझुन की, 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खत्म है 6, कांग्रेस पार्टी को एक सीट है। जालोर यानी कि जोधपुर की, जोधपुर में 7 विधानसभा सीट आती है, 7 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खत्म है सभी 5 सीटें अपने खाते में कर सकती हैं, तो एक सीट पर कांग्रेस पार्टी, एक सीट पर अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राजस्थान की 200 में से सभी 200 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो आज यानी कि अक्टूबर महीने का ये ओपनिंग पोल बीजेपी को बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी खाते में 149 सीटें यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपके लिहाज से 2023 के अंत में यानी कि नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी या भाजपा अपनी सरकार बना रही है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी 149 सीटें, इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 42 सीटों पर, अदर पार्टियां पर 9 विधानसभा सीटें अपने खाते में कर सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।